नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बीके में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पचौरी। और मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक बने रहिए न्यूज बीके के साथ। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर झांसी। ऐसा स्वाद और कहां जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, बहुरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट, जहां कम दाम में मिलता है 5-स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, बहुरानीपुर। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी बहुरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। अरे यार, जो सशस्ता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भुइया कर रहे हो सर, तुम कान खोल के सुने थे, कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए, बेटे पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओपी, जो रखे आपके घर को सालों साल नया। I like it. ब्रेक के बाद स्वागत है, शुरू करते हैं खबर फटाफट। पहली खबर हमीरपुर से। योगी सरकार में अपराधी बेलगा, हमीरपुर में एक दो नहीं चार चार तमंचे लेकर बारवाला के संग दबंग युवक ने लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल तो पुलिस ने ढूंढ कर भेजा जेल। वीडियो देखकर लोग कह रहे कि नहीं रह गया हमीरपुर के बदमाशों को पुलिस का खौफ। और झांसी में नवाबाद पुलिस ने पकड़ा जिला बदर आरोपी जीतू उर्फ हर्ष कोरी को, कोतवाली थाना क्षेत्र के झरना गेट के पास से लिया गया हिरासत में, कारतूस व तमंचा भी बरामद, भेजा गया जेल। और वर्दीधारी पीआईडी जवान ने पुलिस की इज्जत को किया दागदार, रेलवे स्टेशन के बाहर से ट्रेन का इंतजार कर रही महिला को बनाया हवस का शिकार। नव दंपत्ति जा रहा था कानपुर से हैदराबाद, महिला को धमका कर ले गया बदमाश सिपाही, आरपीएफ ने दबोच कर भेजा जेल। मऊरानीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध गांजा व तमंचा कारतूस के साथ दबोचा गया बदमाश, छतरपुर जिले का रहने वाला है आरोपी राजा ठाकुर उर्फ खुमान सिंह। झांसी में मनाई गई प्रथम सांसद रघुनाथ विनायक धुलकर जयंती, झांसी का मान बढ़ाने वाले सांसद को किया गया याद, मुख्य अतिथि विधायक रवि शर्मा के साथ धर्म गुरु हरिओम पाठक, समाज सेवी पंडित दिलीप पांडे व नीति शास्त्री रही मौजूद। और सोशल मीडिया की हसीनाओं से रहना जरा बचकर, बरुआ सागर में साइबर अपराध का अनोखा मामला आया सामने। सोशल मीडिया में चंद घंटों की दोस्ती के बाद युवती ने ब्लैकमेलिंग करते हुए दे दी प्रेमी को धमकी, झांसा देकर लिया मोबाइल नंबर, अब हजारों रुपयों की कर रही डिमांड, पीड़ित ने दिया प्रार्थना पत्र। और वहीं बरुआ सागर में बच्चों को फिटनेस ट्रेनिंग देने आगे आया ऊर्जा फाउंडेशन, कबड्डी शॉर्ट व लॉन्ग रन का दिया जा रहा है लगातार प्रशिक्षण, फाउंडेशन प्रमुख राशि साहू ने बच्चों को प्रशिक्षण देने का उठाया सराहनीय कदम। समथर कस्बा में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का खेला गया फाइनल मैच, मुख्य अतिथि पूर्व गरौटा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने किया मैच का शुभारंभ, और ई टीम को हरा कर भांडे टीम रही विजयी। और बबीना के गणेश मंदिर में किया गया हवन आयोजन, लगाए गए 56 भोग, नगरवासियों ने किया भगवान गणेश के श्रृंगार का दर्शन। और गुजरात में पेयजल समस्या से परेशान है कस्बा वासी, घंटों तक करना पड़ता है लोगों को पानी आने का इंतजार, योगी सरकार के दावे होते दिख रहे फेल, जन प्रतिनिधि जुटे हैं राजनीति चमकाने में। और गुजरात में किन्नर समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, मुनव्वर अली शाह कलंदरी की दरगाह पर चढ़ाई गई चादर, तो वही प्राचीन हनुमान मंदिर में भेंट किया गया घंटा,
पप्पू हाजी किन्नर का बीच बाजार में फलों से हुआ तुलादान, नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। समतल कस्बा के अंबेडकर पार्क में मनाया जाएगा बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। बसपा झांसी मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी रविकांत मौर्य ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, 15 जनवरी को होगा आयोजन। और समतल थाना क्षेत्र के लोहागढ़ में पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार, बोला दबंग कर रहे परेशान, मगर पुलिस नहीं दे रही ध्यान। बसपा के दर्जनों सदस्य आए पीड़ित के पक्ष में की कार्रवाई की मांग। झांसी के ग्राम स्कूल में प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य ज्योति पटेल ने 104 बच्चों को वस्त्र व स्वेटर किए वितरित। शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राम प्रजापति एवं ग्राम प्रधान सुरेंद्र बहादुर पटेल आदि रहे मौजूद। और अगली खबर जालौन से, जहां कस्बा डकोर के दर्जनों अनुसूचित जाति के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की नारेबाजी, बोले हमारे पट्टा वाली जमीन पर दबंगों ने कर लिया कब्जा, पट्टे की जमीन वापस दिलवाए जाने को लेकर दिया मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन। और अब खबर ललितपुर से, ललितपुर के पाली गांव में पाइपलाइन में लीकेज से हजारों लीटर पानी की बर्बादी, क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से तत्काल लीकेज बंद करवाने की मांग। ललितपुर के तालवेड़ में प्रथम बार जनपद आगमन पर भाजपा की बुंदेलखंड प्रभारी प्रियंका सिंह रावत का भाजपाइयों ने किया स्वागत, साथ ही क्षेत्रीय महामंत्री रामकिशोर साहू और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का भी हुआ आगमन। और ललितपुर में धोखाधड़ी का मामला आया सामने, आर्मी का व्यक्ति बताकर दिखाई बोलेरो गाड़ी और डलवा लिए पेटीएम के माध्यम से 68,000 रुपए, उसके बाद नहीं लग रहा फोन, पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। और ललितपुर में एक सफाई कर्मचारी ने लगाया जिला पंचायत राज अधिकारी पर मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप, कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। तो वहीं ललितपुर के थाना नड़ाहट के बमरोही सिद्धवाहा गांव में एक परिवार ने लगाए प्रधान पर मारपीट करने के आरोप, बोला प्रधान दे रहा जान माल की धमकी, पीड़ित परिवार के लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर की कार्रवाई की मांग। और दिसंबर माह में शिकायतों के 100% निस्तारण करने पर ललितपुर पुलिस को मिला उत्तर प्रदेश में पहला स्थान, ललितपुर पुलिस को अब तक प्राप्त हो चुका है 22 बार यह स्थान। तो ये थी आज की खास बड़ी खबरें, खबर फटाफट में, कल फिर आपसे इसी समय मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए न्यूज़ बीके। नमस्कार।